बहुत आराम से मजे ले रहा है ये लड़का। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? हम तो यहाँ पे एकदम ठीक है। एक्चुअली बहुत दिन बाद वीडियो निकाल रही हूँ, उसका रीज़न ये है शिफ्टिंग था, प्रणिल का स्कूल ढूंढना था मुझे। वेदर अच्छा है, रेनी नहीं है और प्रणिल भी मेरे साथ है। स्वप्निल घर पे है, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और प्रणिल की ऐसी इच्छा थी कि मैं उसको थोड़ा बाहर लेके जाऊँ। तो मुझे ना लास्ट टाइम जहाँ पे हम लोग आए हैं अभी वहाँ पे मुझे ग्राउंड दिखा था, तो मैंने सोचा उसको वहाँ पे लेके जाऊँ। घर से हार्डली मुझे लगता है 5 मिनट्स रहेगा, ज़्यादा नहीं है, तो मैं उसको वहाँ पे लेके जा रही हूँ अभी। तो देखते हैं वो, हम मैं लेके जाती हूँ आपको, दिखाती हूँ कैसा है वो। तो हम लोग ऐसे चल चल के जा रहे हैं, मुझे भी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। लास्ट टाइम हम लोग शॉपिंग के लिए ये साइड गए थे तो मुझे पता है यहाँ पे ही है, यहाँ पे ही कहीं है। तो मैं देखती हूँ अभी एग्जैक्टली कहाँ पे है। प्रणिल होल माय हैंड। और गाड़ियाँ इतनी तेज़ आती है कि यहाँ पे अभी मुझे ना सीधा जाके मैं दिखाती हूँ यहाँ से रोड क्रॉस कैसे करना पड़ता है। हम लोग ऐसे ही अपने इंडिया में कैसे यहाँ से वहाँ चले जाते हैं, वैसे यहाँ पे सब जगह पे देखना पड़ता है गाड़ी कहाँ से आ रही है। मैं दिखाती हूँ आपको, यहाँ पे एक बोलते हैं ना बटन दबाना पड़ता है, बटन दबा के आपको वॉकिंग है। चल फास्ट, ऑलरेडी बटन किसी ने तो वहाँ से दबा दिया है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ग्रीन आता है, तो हम लोगों ने अभी यहाँ से क्रॉस कर लिया है, फिर आगे से नहीं कर सकते डायरेक्टली। मैं दिखाती हूँ, यहाँ पे ग्रीन सिग्नल दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे ऐसे ये वाला बटन प्रेस करना पड़ता है। आई विल शो यू, वेट। यहाँ पे ऐसे बटन प्रेस करना पड़ता है, अगर आप बटन प्रेस करोगे तो आपको ग्रीन लाइट आएगा, तो आपको चल के जाना है। इस तरीके का है, प्लेग्राउंड दिख गया है तो मैं उसको लेके जा रही हूँ। वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं, क्योंकि मैंने जैसे बोला यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश आती है तो कभी कभी ही सन दिखता है, तो आज दिख रहा है तो मैंने सोचा उसको लेके ही जाऊँ। तो नाउ हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे। प्रणिल, आर यू हैप्पी? यस यस और नो? तो यहाँ से ही दिखा रही हूँ मैं आपको, ये है प्लेग्राउंड। यहाँ पे सारे बच्चे आते हैं स्कूल के, यहाँ वहाँ आजू आजू रहने वाले सारे बच्चे आते हैं। अभी हम जाएंगे अंदर, दिखाती हूँ आपको अंदर जाके। ये हो गया यहाँ पे स्टार्ट खेलना। इट्स ओके बेटा, गो स्लोली स्लोली। होल्ड द रोप, होल्ड द रोप, या कम। ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ मेरे घर से, अभी जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं। मैं घर का भी वीडियो आपसे शेयर करूँगी। मुझे एक्चुअली टाइम ही नहीं मिल रहा है ये शिफ्टिंग, उसका स्कूल, स्कूल का भी एडमिशन अभी तक हुआ नहीं है, तो थोड़ा अभी टेंशन में है, क्योंकि यहाँ पे नर्सरी बोलते हैं 5 ईयर्स का नर्सरी रहता है, 4 to 5 ईयर्स, और हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है, तो उसको ऑलरेडी नर्सरी हो गया है, तो यहाँ पे P1 जो है उसमें डालना है मुझे उसको। तो लेट्स सी, सर्च करेंगे हम लोग। और स्कूल स्टार्ट होता है यहाँ पे सितंबर में, तो सितंबर से स्कूल जाएगा। अभी 5 महीना मेरा सिर खाएगा मेरा बच्चा। ये Are you ready? Yeah! Fast! अरे यार, I can't do it fast. बहुत दिन बाद आज प्रणिल बाहर निकला है, तो उसको बहुत खुशी हो रही है। मुझे उसकी खुशी का कुछ ठिकाना है नहीं। इंडिया में भी बहुत कम निकलता था, टाइम ही नहीं मिलता था स्कूल और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ वगैरह होती थी। तो स्लोली बेटा, स्लोली स्लोली स्लो, बहुत आराम से मज़े ले रहा है ये लड़का। और सच में यार ऐसा ही क्लाइमेट चाहिए जो बच्चों को भी अच्छा होता है, हमें भी अच्छा होता है, थोड़ा बाहर निकले, थोड़ा बैठे, रिलैक्स करे। लेकिन बहुत मुश्किल से यहाँ पे ऐसा क्लाइमेट होता है। और यहाँ पे सीज़न जो है वो चल रहा है, उसको बोलते हैं यहाँ पे स्प्रिंग। तो ये स्प्रिंग सीज़न चल रहा है, अभी ख़त्म हो जाएगा अप्रैल मई के स्टार्ट में। Enjoying you? Yes or no? Pranil? No, no, no. No, no, no. I'm not scared.
बी केयरफुल। You are scared? Oh, very good. Good show. Wow. Wow, Pranil. Bye, I'm going. तो गाइस मैं दिख रही हूँ ना आपको, धूप आ रही है, शायद से नहीं दिख रही होंगी, लेकिन प्रणिल का भी खेल के हो चुका है, वो थोड़ा सा अभी थक भी गया है खेल के और उसको बहुत ज़ोर से प्यास लगी है। एक्चुअली मेरी गलती है, जो मैंने पानी का बॉटल कैरी नहीं किया है। वो बहुत अच्छे से खेला है, बहुत मज़े किए उसने और अभी उसको गर्म हो रहा है तो वो कह रहा है मुझे जैकेट नहीं चाहिए, तो उसका जैकेट निकाल रहा है। एक सेकेंड, वेट वेट, रिमूव हियर ओनली, डोंट गो दैट साइड, वेट वेट, आई सेड वेट, आई सेड वेट। और यहाँ पे ना देख के चलना पड़ता है गाइस यार, जैसे मैंने बोला सिग्नल, तो ये लड़का सुनता ही नहीं है जरा भी। और अभी अभी के लिए बस इतना ही गाइस, और इसी के साथ इस वीडियो का मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। और आप सभी को बोलती हूँ, खुश रहिए, प्यार बांटिए, हमेशा अपने साथी को खुश रखिए, और प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू योर यूट्यूब चैनल विच इज़ बड़ी न्यू के। बाय बाय।